आधा पौना घंटे पहले हादसा हुआ है और ये पुराना पुल है, करीब 35-40 साल पुराना। अभी इसकी क्या वो है डेट एक्सपायरी, ये तो अभी रिकॉर्ड देख के अपडेट होगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी जान माल का कोई भी नुकसान नहीं है और जो भी इसमें ट्रक वगैरह बस वगैरह हमारे पुलिस प्रशासन SDM साहब ने आकर उन सबको अच्छे सुरक्षित रूप से निकाला जा रहा है। और हमारे जो विधायक हैं पंडित मूलचंद शर्मा, उन्होंने ये 4 लेन का रोड पास करा दिया जो टेंडर में है, लेकिन अभी मैंने उनसे बात करी है विधायक जी से, वो पता कर रहे हैं कि इसमें जो हमने पुल भी शायद कन्फर्म में अभी कर रहे हैं कि पुल का भी अगर ले रखा होगा तो जल्द से जल्द पुल को स्टार्ट शुरू कर दिया जाएगा। अगर उस टेंडर में नहीं है तो सरकार से विधायक जी अपने CM साहब से बात कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी इस पुल को बनवाया जाए, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक नगरी है, आवागमन बहुत ज्यादा है, ये सेक्टर 55 से JCB को रिपोर्ट कर। ये भी माना जाता है कि ओवरलोड, ये कॉयल वाला जो ट्रक था ओवरलोड है और कॉयल इसमें जा रही है। मेन कारण यही है कि जो पुल की म्याद थोड़ा, देखो पुराना तो है पुल ये, लेकिन जो ट्रक में ओवरलोड कोल है उनमें बहुत ज़्यादा वजन है, वो एक साथ बीच में जाने से ये जब डाउन हुआ है। लेकिन चलो फिर भी कोई भी हमारे यहाँ ऐसा हादसा जालमाल का नहीं है कि जिससे कि हम हताहत हैं। पुलिस प्रशासन हमारा SDM साहब पूरा फुल प्रयासों से अपने प्रयास में लगे हुए हैं। जो कि JCB से सेक्टर 55 भी जाता है, ये पुल में एक ट्रक जरा कॉयल लेके उसे पुल टूट गया, ये इसमें 2 ट्रक फंसे हुए थे, एक मोटरसाइकिल एक जीप है, और सबसे अच्छी बात को जाना नुकसान नहीं हुआ है और गाड़ियों को क्रेन से निकाला जा रहा है। बस पुल के बनने के बारे में जल्दी कोई कार्य कीजिएगा ताकि पुल जल्द जल्द बन सके। पिकअप मैं था, मैं जैसे ही लेके आया कंपनी से, कंपनी हमारे 24 में और मैं जा रहा था 59 का, तो गाड़ी जैसे ही पुल पर चढ़ी है एकदम पुल ऐसे नीचे जाने लग गया, ब्रेक लगाने के बावजूद भी गाड़ी नीचे चली। उस टाइम क्या है, ऐसे लग रहा था कि बचेगा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि ऊपर से गाड़ी नीचे आ रही है, मेरे पीछे वाली गाड़ी मेरे ऊपर आ रही है। मैं तो पानी में से उतर के आया हूँ, दरवाजे खोल के इतना इतना देखो पानी में, तो निकल के जब बाहर आए घायल तो कोई लाइन लग रहा है। बाइक वाला, 2 बाइक वाले हैं, उनका पता नहीं, क्योंकि सबको अपनी जान बचानी है। इन्फॉर्मेशन देखिए, सेक्टर 25 वाला पुल है, ये क्या है कि कुछ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं जिनके लिए करेंट मंगाया, उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है 5 बजे के करीब। तो अभी देख रहे हैं कि काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठी हो गई है और आप लोग भी प्रयासों में लगे हुए हैं। हाँ, भीड़ को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें 5 गाड़ियाँ हैं।